कैंट पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को नहर पुलिया मोहद्दीपुर से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान शेर मोहम्मद पुत्र शाह आलम उर्फ इकबाल निवासी रसूलपुर थाना हाटा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा दो जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि अपने साथियों द्वारा गोवंश को जबरदस्ती उठाने का कार्य किया जाता था, जिसके कारण 2020 में थाना कैंट द्वारा मुठभेड़ में पकड़कर जेल भेज दिया गया था। वहां से जमानत पर छूटकर छिप छिपाकर गोवंश से संबंधित आपराधिक कार्य करता था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, वरिष्ठ उपनिरीक्षक मनीष कुमार यादव, रुद्र प्रताप सिंह, कांस्टेबल राजेश कुमार यादव, क्राइम ब्रांच उपनिरीक्षक चंद्रभान सिंह, सर्विलांस प्रभारी धीरेन्द्र राय, हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह, राशिद अख्तर, सनातन सिंह, राम इकबाल राव, कांस्टेबल नामित मिश्रा शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, हमने कहा यार सुनो ऐसे रिपोर्टर को कि जिनको देख कल एक शेर मोहम्मद जो 25,000 का इनामी अपराधी था उसकी गिरफ्तारी की गई है, कैंट थाने से और क्राइम ब्रांच ने मिलकर की है। ये पूर्व में पशु तस्करी में जेल गया था और इस समय वर्तमान में गैंगस्टर में वांछित था। एक तमंचा 315 बोर और दो कारतूस इसके पास से बरामद था। सर अपराधी कितने दिन तक इसके 5 मुकदमे हैं, जिसमें 307, 3/25, गैंगस्टर एक्ट और गोवध अधिनियम शामिल हैं।